आज देखिए भारत का ऐसा कोई शहर ना होगा जिस शहर में बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हैं और फ्लैक्सों में लिखा क्या है, दाने दाने में केसर का दम। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार आपके क्या बेच रहे हैं, गुटका। किसको प्रमोट कर रहे हैं, गुटके को। क्या किसका प्रचार कर रहे हैं वो, हाँ या ना? क्यों जी, गुटके का प्रचार सुपर डुपर स्टार कर रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना, जोर से हाँ कि ना। मैया कर रहे हैं ना, किसका प्रचार कर रहे हैं, गुटके का। वो लोग गुटके का प्रचार कर रहे हैं और ये दास अनिरुद्ध किसका प्रचार कर रहा है, सेवा का प्रचार कर रहा है। सेवा करो अपनी माँ की, समाज की। लेकिन सेवा करने वाले अनिरुद्धाचार्य को समाज में कुछ लोग, संतों को, हम जैसे लोगों को लोग क्या कहते हैं, ये तो पाखंडी हैं, ये तो ठगते हैं, ये तो लूटते हैं। संतों को क्या क्या समाज नहीं कहती, क्यों कहती है? संतों को लोग इतना कहते हैं और ये सुपर डुपर स्टार जो खुलेआम गुटका बेच रहे हैं इनको सुपर स्टार बनाए बिठाए हैं। जो गलत कर रहे हैं उन्हें तो आपने पलकों में बिठाया है और जो समाज के लिए सदियों से सही कार्य करते चले आए हैं, संतों की बहुत बड़ी भूमिका है इस देश में। चाहे संत स्वामी विवेकानंद जैसे हों, चाहे रामकृष्ण परमहंस जैसे हों, चाहे तुलसीदास जैसे हों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, चाहे ऐसे संत हों और चाहे आज के संत हों, संतों का समाज में धर्म के प्रचार में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन उन्हीं संतों को टारगेट किया जा रहा है और आज के युवाओं के द्वारा, उन आजकल के युवा संतों से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि संतों के खिलाफ उनके अंदर जहर घोला गया और वो सुपर डुपर स्टार जो खुलेआम गुटका बेच रहे हैं, और केवल गुटका नहीं, शराब का प्रचार देखो, ऐसी कोई मूवी ना होगी शायद जिस मूवी में शराब पीने का सीन ना हो। अब जब शराब का सीन, अब गाने क्या है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो जब शराब पीने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं तो ये, अब ये बच्चे हैं, ये देखो छोटे छोटे बच्चे बैठे, अब इन बच्चों को पिक्चरों में शराब का सीन दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ऐसे गाने हैं। अब ये बच्चे जब सुनेंगे ये सब चीजें देखेंगे तो इनके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, शराब पीने की भावना जागेगी कि नहीं, हाँ या ना? उत्तर दो मेरी मां। तो आज की पीढ़ी को जो शराब की लत लगी है इसका जिम्मेदार कौन है, वो सुपर डुपर स्टार, हाँ या ना? लेकिन गालियां कौन खा रहा है, संतों को गालियां मिल रही, समाज संतों को। आज संत आपके द्वार पर आ जाए और कहे कि भिक्षाम देही, मैया जरा भूख लगी है रोटी दे दो, तो आप क्या कहती हो, कमा के खा नहीं सकता, तुमसे दो रोटी कोई मांग ले तुम दस्ताने सुनाती हो। लेकिन वो लोग जो खुलेआम तुम्हारे घर में घुस के टीवियों के माध्यम से तुम्हारी बच्चों को, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी बेटियों के संस्कार बिगाड़ रहे हैं, उनकी फोटो आप अपने डीपी पे लगा रहे हैं, उनको आप अपने स्टेटस में लगा रहे हैं, ये देखिए ऐसा है, हाँ या ना भैया, बात सही है? गुटका बेचने वाले सुपर डुपर स्टार हैं कि नहीं, हाँ या ना, जोर से। आप लोग गुटका खाते हैं, शराब पीते हो, सुपर डुपर स्टार तो कह रहे हैं वो कि पीने का शौक नहीं है पर पीता हूं गम भुलाने को। तो बताओ इन बातों से बच्चे सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे, आप बताओ, ये भैया बताएंगे, नौजवान बच्चे बैठे तो हैं, बताओ बेटा इन बातों से समाज में बच्चे सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे, जोर से जोर से, हाँ बिगड़ेंगे कि सुधरेंगे। तो बिगाड़ने में समाज को इन
मूवियों का सुपर डुपर स्टारों का हाथ है या नहीं? हाँ या ना, आप सहमत हैं इस बात से? हाँ या ना, सिर हिलाओ। चलो और सुनाता हूं। अभी एक पिक्चर बनी जिसमें बताया गया कि शंकर जी को दूध मत चढ़ाओ, वो तो बहकर नाली में चला जाता है, वो दूध ना किसी गरीब को पिलाओ। मैं सहमत हूं इस बात से, परंतु एक छोटा सा सवाल है। आपने नहीं पूछा, मुझे लगा मैं ही पूछ लूं उन लोगों से कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ता है। मैं अभी बिल्कुल वैज्ञानिक कारण बताऊंगा, साइंटिफिक रीजन बताऊंगा, सुनिएगा। पर अभी मैं इस बात पर आऊं कि वो पिक्चर बनाकर क्या बोलते हैं कि शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, वो पैसा गरीबों में बांटो। तो फिर उनसे आपने पूछा कि तुम लोग पिक्चर बना के हजारों करोड़ कमाते हो तो कितना गरीबों में बांटते हो? कितनी याद आई तुम्हें गरीबों की? तुमने गरीबों के लिए कितने स्कूल खुलवा दिए, कितने तुमने कॉलेज खुलवा दिए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवा दी तुमने, कितना गरीबों के लिए लंगर भंडारा खुलवाया, कितने गरीबों के तुमने घर बनवा दिए? बनवाए? केवल उपदेश करना है। पिक्चर बनाकर के हजारों करोड़ कमाती है पिक्चर, एक पिक्चर एक एक हजार करोड़ कमा लेती है, कितना गरीबों में बांटा? और मैं सवाल करता हूं कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने से अच्छा गरीबों में बांटो तो पिक्चर 300 रुपए की टिकट कटा के देखने से अच्छा वो 300 गरीबों में बांटो ना। सिंपल है, 300 रुपए की टिकट क्यों खरीदना पिक्चर की, वो गरीबों में बांटो। दूध तो 10 रुपया का होता है साहब, शंकर जी पर दूध आदमी कितने का चढ़ाता है? उत्तर दो। 10 रुपए का, 20 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 50 का। शायद है कि आप में से किसी ने 100 रुपए का दूध चढ़ाया हो, कोई नहीं चढ़ाता 100 रुपए का, 10-20 रुपए का दूध चढ़ाता है। और दूध सबसे ज्यादा कब चढ़ता है बताओ? शंकर जी पर दूध कब चढ़ता है? कब? सावन में। क्यों चढ़ता सावन में? क्या साइंटिफिक है, कारण क्या है, क्या रीजन है, क्यों चढ़ता शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ता है? उन मूर्खों को आपने कभी बताया नहीं, आपको पता ही नहीं, आप तो उन मूर्खों की बातों में आ गए। हाँ बात तो सही है। हाँ कभी जानने की कोशिश की कि आपका धर्म कितना साइंटिफिक है? हम सनातनियों के ना विडंबना यह है कि आपको जानते नहीं, जो जैसा बोला हाँ 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 हाँ, थोड़ा जानो समझो। शंकर जी पर दूध किस महीने में चढ़ता है ज्यादा जोर से? सावन। सावन में क्यों चढ़ता है? सावन किस महीने के बाद आता है? अषाढ़। अषाढ़ में क्या होता है? अषाढ़ में मानसून आता है। मानसून आता है, पहला पानी बारिश का कब गिरता है बोलो? अषाढ़ में। हाँ या ना, अषाढ़ में पानी गिरा तो पानी जब पहला गिरता है तो सुना होगा तुमने अपनी दादी से कि पहला पानी जहरीला होता है, पूरा प्रदूषण होता है ना, तो ऊपर से पूरा नीचे पानी के साथ प्रदूषण आकाश का आता है, तो वो पहला पानी जो होता है वो अच्छा नहीं होता। अब पहला पानी जब गिरता है अषाढ़ में, तो अषाढ़ में पानी गिरा तो सावन तक घास हो जाती है। क्या हो जाती है? अषाढ़ के आखिरी तक ना पानी जब गिरता है ना, तो चारों तरफ आप नहीं देखते जंगलों में घास, वो घास गैया खाती है। तो बुजुर्गों ने सोचा कि पहला पानी से पहली घास हुई तो पानी का प्रभाव घास में आया होगा, तो घास भी हो सकता है हानिकारक हो। तो वो गाय जब घास खाएगी और उस घास का जब दूध बनेगा, तो लोगों ने सोचा कि ये पहला दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये दूध बच्चों को हानि पहुंचा सकता है। तो दूध है, फेंक तो सकते नहीं, क्या करें? बोले अपने शंकर जी है ना, चलो शंकर जी पर चढ़ाएंगे दूध, पुण्य भी मिल जाएगा, दूध भी ठिकाने लग जाएगा। इसलिए दूध चढ़ाने की परंपरा बनी। अब दूसरा कारण, अब आप लोग क्या कहते हैं कि दूध शंकर जी पर चढ़ाया हुआ नालियों में जाता है? गलत बात है। ये बताओ, आज के 100 साल पहले कभी नालियां थी भारत में? बोलो, थी। पहले के लोग तालाबों में नहाते थे, नदियों में नहाते थे,
ये घर में जो आज वॉशरूम वगैरह आप यूज करते हैं नहाने का सिस्टम, ये पहले नहीं था। पहले के राजा महाराजा, रानी हो राजा हो, सब नदियों में जाते थे नहाने। हाँ या ना, हाँ या ना, क्या पहले ये वॉशरूम वगैरह ऐसे घर में अटैच था? था पहले, नालियां थी, नाला था, सीवर था, बोलो। हाँ नहीं, नहीं तो नाला था ही नहीं, नाली थी ही नहीं। तो सुनो, शंकर जी का जो दूध चढ़ाया जाता था, आप इतिहास उठाकर देखना, शंकर जी का मंदिर किसी ना किसी नदी, किसी ना किसी तालाब, जलाशय के किनारे होता था। हाँ या ना, चाहे उज्जैन में महाकाल हो, छिप्रा के तट पर है, चाहे काशी विश्वनाथ हो, गंगा के तट पर है, कोई भी आप उठाकर देख लो, सब नदियों के किनारे, या तालाब या सरोवर या झरना कुछ भी तो होगा, वहां पर मंदिर था शंकर जी का। और शंकर जी पर जो दूध चढ़ता था वो सीधा जलहरी के द्वारा जाता कहां था? नदियों में, सरोवरों में, तालाबों में, झीलों में। और झीलों में जाता था तो वहां की मछलियां उस दूध को पीती थीं। तो गांव का आदमी सोचता था कि गाय का दूध मेरा बच्चा क्यों पिए, मेरा बच्चा ही नहीं मछली का बच्चा भी पिए, मछली भी पिए, नदियों में रहने वाले जीव जंतु भी पिए। ये परहित की भावना है ना भारत की, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित की भावना के कारण वो दूध कहां जाए? नदियों में जाए। तो नदियों में कौन पिएगा? मछली पिएगी, मछली दूध पीती है, स्वाद लेगी बढ़िया दूध का, और भी जो पानी के जीव जंतु होते हैं सब मौज लेंगे। अब बताओ, नाले में जो पिक्चर बनाकर बोल दिया ना कि अरे नाले में दूध जाता है, अरे पगले, नाले नालियां तुम्हारी बनाई है, हमारे सनातन संस्कृति की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में नाला नालियां नहीं थी, उस जमाने में नाला नालियां नहीं थी जिस जमाने में शिव जी को दूध चढ़ाने की परंपरा बनी। हाँ या ना, अब तो आज की आपकी आधुनिकता ने नदियों को नाला बना दिया। हाँ या ना, आज तो नदियां नाला बन गई, नदियां नदियां बची कहां, नदियां नाला हो गई। अब ये तुम्हारी अव्यवस्था है, इस अव्यवस्था से शंकर जी का क्या लेना देना? क्यों करी तुमने अव्यवस्था? हमारी पूजा, हमारी सनातन संस्कृति तो प्रकृति से जुड़ी है ना, साइंटिफिक है ना, इसलिए अपने धर्म को कभी आप ये ना कहो पिक्चर देख करके, अरे हिंदू धर्म में तो कुछ नहीं है। जो हिंदू संस्कृति में है वो दुनिया में कहीं नहीं है, वो विचार तक तुम पहुंच पाओगे, तुम्हारे बाप ना पहुंच पाएंगे उस विचार तक। अब ये पिक्चर बनाने वाले क्या इतनी गहराई गंभीरता तक पहुंचेंगे जितनी गहराई तक हमने आपको समझाया? क्यों चढ़ाया जाता है दूध, कभी सोचा इस पर विचार किया? अरे दूध चढ़ा के नाले में बहा दिया, गरीबों बांटो, कह देना सरल है साहब, सब कह दो आप, पैसा थोड़ी लगता कहने में। लेकिन उसके रहस्य को जानना, हिंदू संस्कृति को वैज्ञानिक तरीके से समझना कठिन बात है, ये बच्चों का खेल नहीं है, इन मूर्खों का, इनके बस की नहीं है जो शराब पी के झूमते हैं। इसलिए आप सबसे पहले तो अपने बच्चों को यदि भविष्य बनाना चाहते हैं तो सुपर डुपर स्टारों की जो मूवियां आप देखते हैं, अश्लील, इतने अश्लील होते हैं ये लोग कि अभी एक घोड़े ने तो पूरे निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचवाई। हाँ या ना, नहीं सुना आप लोगों ने, नहीं देखा? इसलिए आप अपने बच्चों को सत्संग से जोड़िए, कथाओं से जोड़ेंगे तो भारत का इतिहास मिलेगा, वो आप समझ पाएंगे जो आज तक नहीं समझ पाए। और भारतीय संस्कृति को हीन दृष्टि से नहीं, गर्व से कहो, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारा धर्म, हमारी हर बात साइंटिफिक है। आप कोई भी साइंस की बात कर लीजिए हमसे, हम आपकी हर साइंस की बात को शास्त्रों से घटा के बता देंगे कि शास्त्रों में ये लिखा है। जो आज आप पढ़ रहे हैं वो हजारों साल पहले हमारे यहां प्रयोग हो चुका है, क्या बताएं हम आपको।
चलो बताओ, साइंस के पास भारत का या दुनिया का कितना पुराना इतिहास मौजूद है? साइंस कितनी पुरानी बात करती है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, इससे पहले का साइंस के पास कुछ मौजूद है इतिहास? है तो बताओ। सबसे पुरानी सभ्यता साइंस किसे मानता है? बोलो, किसके अवशेष मिले हैं, किसके साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति, इससे पुराना क्या है? और मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का ये जो इतिहास है कितना पुराना है? आप पढ़े हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, कितना पुराना इतिहास है बताओ? फास्ट पढ़े होंगे आप लोग, तो बताओ, याद नहीं है? आप पढ़े हैं? हाँ, 1800-2000 साल के लगभग। हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो की ये जो इतिहास है, जो साक्ष्य मिले, ये कितना पुराना है? साइंस कितना पुराना मानता है इसे? जोर से, सिर्फ 2000 साल। हाँ या ना? 2000 साल से पहले का कोई इतिहास मौजूद नहीं है वैज्ञानिकों के पास, लेकिन हम भारतीयों के पास कितना पुराना मौजूद है? अब मैं आपको अपने भारत का दर्शन कराता हूं। सुनो, भागवत जी में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से गए तो द्वारिका को कहां कर दिया भगवान ने? क्या कर दिया द्वारिका को, आप बताओ? जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से परम धाम गए तो द्वारिका का क्या हुआ? क्या सुना है आपने द्वारिका के बारे में? जब श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके द्वारिका से गए तो द्वारिका का क्या हुआ, आप बताओ? क्या हुआ द्वारिका का? मैया बताओ, सवाल वाली मैया, क्या हुआ द्वारिका का? क्या हुआ? भगवान ने उसे पानी में डुबा दिया था। भगवान ने उसे, जोर से, भगवान ने द्वारिका को कहां किया? पानी में डुबा दिया। अब आप लोगों को लगेगा कि पानी में डुबा दिया, हमें कैसे पता? हाँ, अब मैं आपको पता कराता हूं ना, आप आश्चर्य मानेंगे। अभी कुछ साल पहले एक न्यूज आई थी सारे अखबारों में, सारे टीवी चैनलों में, कि द्वारिका जो पानी में डूबी है वो द्वारिका वैज्ञानिकों को प्राप्त हो चुकी है। पानी के भीतर एक नगरी प्राप्त हुई है, उसी लोकेशन में, उसी जगह पर जहां द्वारिका कही गई है, उसी पानी के अंदर द्वारिका डूबी हुई मिली। किस लोग, कितने लोगों ने आप में से न्यूज सुनी ये वाली कि पानी के अंदर एक नगरी प्राप्त हुई है द्वारिका में? किस किस को पता है ये बात? आपको पता है? पता है, सुना होगा न्यूज, नहीं सुना आपने? पीछे दादाजी बैठे हैं, उनसे पूछ लेना, उन्होंने सुना है। आप सास बहु साजिश ही देखती रहोगी तो क्या सुनोगी? हाँ सुनो, तो क्या हुआ कि द्वारिका पानी में मिल गई। वैज्ञानिकों ने जब सर्च किया कि ये कितनी पुरानी नगरी है, तो पता है कितनी पुरानी थी वो? 5500 साल पुरानी। और कृष्ण का इतिहास भी 5500 साल पुराना है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति 2000 साल पुरानी, और हमारी द्वारिका 5000 साल पुरानी। तो लो भैया, हम तो इतने साइंटिफिक हैं कि हम द्वारिका पानी में तो आज मिली, हम तो सैकड़ों साल से कहते आ रहे हैं कि पानी में डुबा दी थी भगवान ने, लोग विश्वास नहीं करते थे, अब मिल गई तो लोगों को लगा हाँ बात तो ठीक थी। मतलब तुम्हारे गांव में जो पंडित जी है ना, वो जो बताते हैं ना, वही बात साइंस आज बता रहा। ग्रह कितने होते हैं, जोर से, ग्रह कितने होते हैं? किसने बताया? वैज्ञानिकों ने बताया ग्रह 9 होते हैं। तुम हमें क्या बताओगे? हमारे गांव के पंडित जी पहले ही से नवग्रह की पूजा कराते थे जब तुम पैदा नहीं हुए थे। हाँ या ना? तो नवग्रह 9, ग्रह 9 है ये तुम्हें आज पता चला। हमारे यहां तो सैकड़ों साल से नवग्रह की पूजा होती आई है। क्यों जी, नवग्रह की पूजा होती आई है कि नहीं? तो 9 ग्रह हम लोग पहले कंफर्म कर चुके थे ना, तुम आज कंफर्म करी। प्लूटो को भी तुमने ग्रह मान लिया था, बाद में उपग्रह कह दिया,
साइंस ने कुछ चीजें स्वीकार तो कर ली, बाद में उसे नकार दिया खुद साइंस ने। उसमें एक प्लूटो ग्रह है, प्लूटो को स्वीकार किया बाद में नकार दिया, हाँ या ना। फिर तुम्हें आज पता चला कि ग्रह नौ है, हमारे को तो पहले से पता था। इसलिए आपका जो धर्म है, आपकी जो संस्कृति है, वो इतनी वैज्ञानिक है कि आज वैज्ञानिक वही बता रहे हैं जो हजारों साल पहले आप बता चुके हैं।